भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके माई बाप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनसे जुड़ी हुई तमाम ऐसी संस्थाएं जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहती हैं, दरअसल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए संगठन नकली मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लेके आते हैं। बेरोजगारी पे बात ना हो, किसान की आत्महत्या पे बात ना हो, देश की महंगाई पर बात ना हो, बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था पे बात ना हो, विदेश भाग चुके पूंजीपतियों पर बात ना हो, बैंक के डिफॉल्टर्स के ऊपर बात ना हो, लाखों करोड़ की लूट पर बात ना हो, इसलिए हर समय एक नकली मुद्दा लेकर आ जाते हैं। और अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो विवाद है, ये इसी की एक कोशिश है। अब 15 दिन तक कब्र से निकालकर जिन्ना चलेंगे, अब जिन्ना के ऊपर चर्चा होगी पूरे देश में, किसी जनता के जुड़े हुए मुद्दे पे बात नहीं होगी, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, बिजली पे, पानी पे बात नहीं होगी। चीन की यात्रा से हम क्या हासिल करके लाए, ये मोदी जी नहीं बताएंगे देश को। बड़ी बड़ी बातें करते हैं राष्ट्रभक्ति की, देश की सुरक्षा की, आप मुझे जरा बताइए ये जो चीन की यात्रा करके आए हमारे प्रधानमंत्री जी, इस चीन की यात्रा से हमको क्या हासिल हुआ है? इस चीन की यात्रा से जो हासिल हुआ है, मैं उसको आपको बताना भी चाहूंगा और बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना भी चाहूंगा कि आखिर इस खबर को दबा क्यों दिया गया, ये खबर क्यों दब गई, जो सिर्फ एक न्यूज चैनल के वेबसाइट पर थोड़ी देर के लिए खबर आती है, ये खबर क्यों दबा दी गई? तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद आप पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास करेंगे, ये आप चाइना जाकर लेकर आए हैं, 56 इंच का सीना लेकर आप चाइना गए और चाइना से लौटे हैं ये करार करके कि आप पाकिस्तान के साथ साझा युद्धाभ्यास करेंगे। वो देश जिसके जवान लगातार सीमा पर मारे जा रहे हैं, वो देश जिसके जवान लगातार पाकिस्तान के जवानों से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं सीमा पर, देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश में हम लोग बैठे हैं सैकड़ों की संख्या में हमारे सीमा पर जवानों ने अपनी शहादत दी है, पूरे देश के अंदर जवान अलग अलग राज्यों से देश की सीमाओं पर जाकर गोलियां खाते हैं, अपना सीना आगे बढ़ाकर लड़ते हैं, दुश्मनों का सामना करते हैं, उनको अपनी गोलियों का शिकार भी बनाते हैं और उनकी गोलियों का शिकार दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से बनकर शहीद भी होते हैं। लेकिन इन सारी बातों को भुलाकर आप पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास करेंगे, ये आप चीन से करार करके आए हैं। तो ऐसे करो, एक बच्चा उधर से आएगा, एक बच्चा उधर से आएगा, दोनों आपस में युद्धाभ्यास करेंगे। आप चीन के सामने आप घुटने टेक के आए हैं, और ये खबर दबा क्यों ली गई? एक टीवी चैनल के वेबसाइट पे आई, उसके बाद इस खबर का कहीं पता नहीं। क्या किसी भी एक समझदार व्यक्ति को ये लगता है कि पाकिस्तान के साथ हमको कोई साझा युद्धाभ्यास करना चाहिए? कोई भी मान सकता है क्या हिंदुस्तान के अंदर इस बात को? देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि पूरे देश में नफरत फैलाकर पूरे समाज को डिवाइड करके ये अपनी राजनीति का सिक्का चलाना चाहते हैं। जो बात आपने गुड़गांव की, ये बहुत पुरानी घटना है, टीवी चैनल्स पे भी कुछ जगह पे मैंने देखा था इसको और सोशल मीडिया पे भी देखा था। इनको आतंक फैलाने की पूरी खुली छूट दे रखी है। जितने भी ऐसे संगठन हैं, इनको नफरत फैलाने की, आतंक फैलाने की, लड़ाई झगड़ा और हिंसा करने की खुली छूट दे दी गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है अगर इस पर अंकुश लगाया नहीं गया, और मुझे लगता है इस पर अंकुश लगाने का तरीका खुद से जनता को ढूंढना होगा। हम लोग सामूहिक प्रयास करेंगे, 130 करोड़ हिंदुस्तानी इस बात के लिए संकल्प लें, अलग अलग जातियों धर्मों के लोग,
कि हम इनके नफरत फैलाने वाले एजेंडे में नहीं फंसेंगे तभी बच सकता है, वरना तो ये रोज कोई ना कोई सिगुफा लेके आ जाते हैं और उसमें फंसा देते हैं हमको। तो मैंने इसीलिए मैं उस चैनल को भी जिम्मेदार मानता हूँ और अपने आप को भी जिम्मेदार मानता हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों के माध्यम से ये सवाल पूछा है कि सरकार इस बात को स्पष्ट करे और अगर ये झूठी खबर है तो वो बताएं कि ये खबर झूठी है, इसको गलत ढंग से दे दिया गया। अभी आपने कहा था भारतीय जनता पार्टी स्टार पार्टी कर रहे हैं, बाहर से खाना मंगाते हैं, बाहर से सारा इंतजाम कराते हैं, और पहली बात तो ये कि आप किसी दलित के घर में खा के उसको उपकृत कर रहे हैं क्या? आप कौन से भगवान है भैया? कहां से आपने जन्म ले लिया? आप किसी घर में जाके खा लिए तो आप आपने उसको उपकृत कर दिया? ये किसने कहा आपको? क्यों आप उनको अपमानित करते हैं? आप उनको टीवी चैनल्स पे उनकी खबरें चलवाते हैं, उनके घर में आप ये दिखाते हैं भाई इनके यहाँ खाने को कुछ नहीं था, हम देखो बाहर से लेके आए खाना, खाने का सारा इंतजाम, ये क्या है? आपको अगर उनको सम्मान देना है अपने घर में बुलाइए, घर पे आराम से बैठ के उनके टेबल पे साथ में अपने खाना खिलाइए, आप अपने घर के अंदर मुख्यमंत्री जी बुलाएं, योगी जी अपने यहाँ सारे दलितों को बैठ के साथ में खाना खिलाएं, ये तो सम्मान देने की बात हुई। अब जो कुछ उनके यहाँ बचा खुचा है, पहले तो आपने महंगाई से मार दिया, जो बचा खुचा है वो जाके खा लेते हो यार आप लोग। अभी उस पर कोई फैसला हमने नहीं दिया है, जिस तरह का होटल वो हो रहा है, पक्ष विपक्ष की बात हो रही है, उस पर हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा करेंगे, जो फैसला होगा।